जिला कोर्ट के नवीन भवन को तालाब की जमीन पर बनाने को लेकर वकीलों का विरोध जारी। पिपलियाना तालाब के पास बन रहे भवन में बारिश के कारण एकत्रित हुआ है तालाब का पानी। इंदौर अभिभाषक संघ के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर गए सभी वकील जिला कोर्ट के मौजूदा स्थान पर ही विस्तारीकरण की मांग कर रहे हैं। ये हड़ताल किस चीज को लेकर हो रही है? विगत 18 वर्षों से इंदौर अभिभाषक संघ वर्तमान न्यायालय में कोई निर्माण करने के लिए और तालाब पिपलियाना के तालाब में कोर्ट बनाने के विरोध में लगातार संघर्षरत है। आज से 3 वर्ष पूर्व जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उस समय भी पिपलियाना कोर्ट का निर्माण तालाब में चालू हुआ था, जिसका इंदौर अभिभाषक संघ ने आंदोलन लंबे समय चलाया। वहाँ के 30 कॉलोनी के रहवासी और तत्कालीन विधायक जीतू पटवारी, जो अब मंत्री हैं, उनके सहयोग से जन आंदोलन बना और कोर्ट का निर्माण, जब दीवार बन चुकी थी 8 फीट की, उसको तोड़ के वहाँ कोर्ट बनाना समाप्त हुआ। लेकिन समय के अंतराल के पश्चात न्यायिक अधिकारियों ने तत्कालीन कलेक्टर और कमिश्नर से गोलमाल रिपोर्ट लेके पुनः कोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया, जिसके विरुद्ध इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई, जो विचारार्थ स्वीकार कर ली गई। 22/8/19 को NCT कोर्ट ने पुनः निर्णय दिया कि तालाब के भराव क्षेत्र से 50 मीटर दूर न्यायालय का निर्माण किया जाए और प्रभावित पक्षों की मौजूदगी में वर्षा ऋतु में उसके फोटो लिए जाए। इस आदेश की कॉपी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ में हमने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश, प्रशासनिक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इंदौर, कमिश्नर आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर श्रीमान जाटव साहब और जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगर निगमों को मैं फैसले की कॉपी के साथ ज्ञापन दिया और फैसला लागू करने के लिए कहा। हिंदुस्तान की NGT कोर्ट सबसे बड़ी प्रकृति की संरक्षण करने वाली, नदी और तालाब की संरक्षण करने वाली कोर्ट है, उसके निर्णय को भी मान्य अब नहीं किया जा रहा है और वापस ये भी नहीं देखा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है उसमें भी पानी भर चुका है। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप जल के बहाव के साथ तालाब का क्षेत्र उन्हें आकलन कर दिया है, लेकिन संया वह कोतवाल तो डर काएगा, अब न्यायालय का डरे में है कि अपने ही न्यायालय के आदेश को वो क्रियान्वित करने के लिए बाध्य है। एक साधारण नागरिक का जरा सी गलती पे मकान दुकान तोड़ दी जाती है और ये तो जनहित का सवाल अब खड़ा हो गया है। वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा जल के बगैर और अभिभाषकों और न्यायाधीशों का जीवन संकट में हो जाएगा। प्रकृति का कभी भी विरुद्ध रूप पानी में प्रकट होएगा। इसलिए हमारा कहना है न्यायालय के पास में जो सरकारी जमीन है उसको समाहित करकर यहाँ कोर्ट का निर्माण किया जाए, जिसके संबंध में तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति पटनायक साहब ने बहुमंजिला इमारत का नक्शा भी पास कर रखा है। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ और सहयोगी धीरज दुबे, आनंद सोसरिया,